स्टूडेंट्स, ये जीके का 99 पार्ट है, 99 पार्ट है। तो चलिए प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आया हुआ प्रश्न है, 5 सेकंड में उत्तर करें, जिससे जुड़ा हुआ प्रश्न मिलेगा आपको। ये है चेन्नई में, एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए मैं नाम लूंगा, 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे, मैं बताता रहूंगा आपको, और आप अपना टेस्ट भी करना है नेक्स्ट टाइम, बार बार आप सुने इसको, प्रैक्टिस करें, टेस्ट करें। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? देहरादून। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है? देहरादून। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? कोलकाता। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? कोयंबटूर, तमिलनाडु। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बताएं 5 सेकंड में, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर। और भारत का सबसे विशाल संग्रहालय कहाँ है? चेन्नई। भारत का सबसे विशाल मछली घर कहाँ है? मुंबई। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर कहाँ है? अलीपुर, कोलकाता। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान बताएं? भरतपुर, राजस्थान। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर, विश्व का सबसे विशाल चिड़ियाघर बताएं? क्रूजर दक्षिण अफ्रीका। भारत का तो कोलकाता में है और विश्व का क्रूजर दक्षिण अफ्रीका में। विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान, सबसे ज्यादा जंतु वहां कहाँ है? बर्लिन, जर्मनी। नेक्स्ट सवाल, आप लोग वीडियो को पूरा देखें, पूरा प्रैक्टिस करें, पूरी वीडियो सुने शुरू से अंत तक, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बार बार अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखें कि आप कितना कर पा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब तक आपने इतनी वीडियो कर लिया है, सारी वीडियो को पीछे से आप सुने, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें, एक एक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जब भी समय फुर्सत का है उसको सुने, याद करें, बार बार सुने और दिमाग में लाएँ आप कितना कर पा रहे हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ प्रश्न है, आया हुआ आंध्र प्रदेश। उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु क्या कहलाता है, आया हुआ है उपभू, इसको पेरिज भी कहते हैं, उपभू या क्या कहते हैं कि ये जो उपभू है उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के दूरस्थ आने वाला जो बिंदु कहलाता है, सबसे पृथ्वी के दूर होता है उसको कहते हैं अपभू, और नज़दीक होता है उसको बोलते हैं उपभू। अपभू यानी अपोज, तो इस पर आपको ख्याल रखना। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा राज्य क्षेत्र में सबसे छोटा है, बताएं आप, यह सवाल आया था, क्षेत्र में सबसे छोटा राज्य गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य बताएं आप, और सुने,
पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश और पांचवा है जम्मू कश्मीर। पहला दूसरा जरूर याद रखिए, उससे आपका आंसर मिल जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश। सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए, तीन, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। और छोटा केंद्र शासित राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप पहले नंबर पे, दमन एंड दीव, चंडीगढ़। सबसे पहले नंबर पे लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहले नंबर पे, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे दादर नगर हवेली। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन से केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं? बहुत बार आ चुका है यह प्रश्न। दिल्ली एवं पुदुचेरी, पुदुचेरी पांडिचेरी का पुरान का नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में अंतर समुद्री कटक है, वो किस नाम से जानी जाती है? चैगोस लैकाडिव कटक, चैगोस लैकाडिव कटक आया हुआ प्रश्न है। आप लोग पूरी वीडियो देखें, पूरा बहुत महत्वपूर्ण है सारा, शुरू से अंत तक। बार बार अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑप्शनल के चक्कर में आप बिल्कुल नहीं रहेंगे, मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ, ऑप्शनल के चक्कर में नहीं रहेंगे, पॉइंट को याद करें। बंगाल की खाड़ी में अंतर समुद्री कटक को चैगोस लैकाडिव कटक कहते हैं। अरब सागर में स्थित कटक को कार्लसबर्ग कटक कहते हैं, कार्लसबर्ग कटक कहते हैं अरब सागर वाले को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, आईपीसी के निर्माता थे, इंडियन पैनल कोड आईपीसी, लॉर्ड मैकाले, पूछा हुआ प्रश्न है। किस भारतीय राज्य में कोई भी एसटी समुदाय नहीं है, आया है प्रश्न। हरियाणा। प्रसिद्ध पुस्तक चित्रलेखा के लेखक कौन हैं? चित्रलेखा बताएं, भगवती चरण शर्मा। चिदंबरा के लेखक नाम बताएं, सुमित्रा नंदन पंत। चित्रांगदा के लेखक, बहुत कंफ्यूजन होता है चिदंबरा और चित्रांगदा में, ध्यान रहे, चित्रांगदा के लेखक आर एन टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अल्जाइमर बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? अल्जाइमर बताएं, आया हुआ प्रश्न, मस्तिष्क। और अब देखेंगे रोग और प्रभावित अंग, कौन सा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया से शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? मलेरिया। तिल्ली और आरबीसी, ब्लड की कमी हो जाती है। पैरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मसूड़ा। सोने की बीमारी मस्तिष्क पर असर करता है। पेचिस से शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? आंत। कालाजार अस्थि मज्जा। टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 5 सेकंड में उत्तर करें आप कमेंट बॉक्स। तंत्रिका तंत्र। हैजा से शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड से आंत। क्षय रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। डिप्थेरिया से श्वास नली। प्लेग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। और काली खांसी से श्वसन तंत्र। निमोनिया से फेफड़ा। गोनोरिया से मूत्र मार्ग। ये सब आप ध्यान रखेंगे। कोर से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र और त्वचा। सिफिलिस से शिश्न। एड्स से
शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली। डेंगू से सिर, आंख एवं जोर। पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान। इन्फ्लुएंजा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? संपूर्ण शरीर। चेचक, संपूर्ण शरीर। छोटी माता, स्मॉल पॉक्स, संपूर्ण शरीर। गलसोत, पैराथायराइड ग्रंथि। खसरा से संपूर्ण शरीर। ट्रैकोमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख। हेपेटाइटिस और जॉन्डिस से, पीलिया से, यकृत, लीवर। रेबीज से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। मेनिनजाइटिस से मस्तिष्क। हर्पिज से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा। तो और अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे, तीन क्वेश्चन तो लेना पड़ेगा। अकबर, पहला प्रश्न, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? दूसरा प्रश्न, रामायण का अनुवाद किसने किया? और तीसरा प्रश्न, राक्षस तांगड़ी, तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ? तो चलिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ध्यान रखिएगा। दो बात, प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ध्यान रखना है और ऑप्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, पॉइंट याद करना है। थैंक यू।